चाहिए, उनको जो दीजिए ताकि हम सब जीत जाएं। तो मैं इसके इर्द में राजीव गांधी छाप लगेगा, छाप लगेगा, छाप लगेगा। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आपके बीच में राजेश खन्ना जी आ गए हैं, आप कृपा करके शांति से बैठ जाइए। मैं आपसे कुछ दो शब्द बोलना चाहूंगा। ये जो हमारे भाई यहाँ पर आगे खड़े हैं, मेरी दरखास्त है कि वे बैठ जाएं। ए चांद, मैंने टीचर से कई चांद देखे हैं, तो दाग देखे हैं। इसमें ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि न्यू दिल्ली की सीट से जब मुझे कहा गया लड़ने के लिए, तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी जिसे मैंने स्वीकार किया। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं राजीव जी, आपको भी और मेरे भाई और बहनों, कि मैं इसे निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं प्रार्थना कर रहा हूं हमारे हृदय सम्राट हृदय राजू जी से कि वो आए और हमें संबोधित करें, और जरा जोर से तालियों से स्वागत करें। पहले तो आपसे बहुत क्षमा मांगता हूँ कि इतनी देर हो गई आपके बीच में आने में, लेकिन ये सुबह से एक एक जगह थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया है। यहाँ पहुंचते ये होगी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं भूल गया, सुबह तो हमारा हेलीकॉप्टर खराब हो गया था, गाड़ी पे जाना पड़ा था, उससे भी एक दो घंटे आगे लगे। वहां पर थे, सच बात है, वहां कहा गया था, और वहां के लोग ऐसी चीजों पे बड़े सेंसिटिव। 40 साल वो अलगावादियों से लड़ रहे, 40 साल बाद मुश्किल से अलगावादियों को उन्होंने अलग करा है, और अब वो हमारे देश की मुख्यधारा में आई। कांग्रेस है ऐसी पार्टी, और खाली कांग्रेस हमारे समाज को हाथ जोड़ सकती है, एक कर सकती है, और कोई पार्टी ये नहीं कर सकती। दूसरा जो बड़ा सवाल है इसी के साथ जुड़ा हुआ, वो आतंकवाद और अलगावाद के मुकाबले करने का, कौन मुकाबला कर सकता है, किस पार्टी में हिम्मत है, और कौन करने को तैयार है। इन पिछले 15-16 महीने में एक बात साफ हो जाती है कि जितनी पार्टियां सत्ता में थी या सत्ता के पास, बीजेपी फिरकाप्रस्ती के प्रतीक, फिरकाप्रस्ती की माने खाली ये नहीं कि एक धर्म के लोग जो फिरकाप्रस्त हो जाते हैं, किसी भी धर्म के लोग जो फिरकाप्रस्त होते हैं, लेकिन जब मेजॉरिटी का ऐसा होता है तो उसका असर माइनॉरिटी पर बहुत ज्यादा गंभीर होता है।
इसीलिए जब आज बीजेपी ने ऐसी सख्त फिरकापरस्त लाइन ले ली तो बहुत जरूरी है कि उसका मुकाबला किया जाए। अब मैं जानता हूं, मैंने भी सुना है कि जनता दल सीपीएम भी कहते हैं कि वो फिरकापरस्ती के खिलाफ हैं, बीजेपी के खिलाफ हैं, समझौता नहीं करेंगे, उनके साथ कोई जोड़ नहीं होगा, संबंध नहीं होगा। लेकिन असलियत क्या है? बीजेपी के पिछले पार्लियामेंट में लोकसभा में 86 सीट आई, उनकी 86 के जीतने की ताकत तो आज तक नहीं बनी। उनका वोट मुश्किल से 8% था, बढ़ के 12% हुआ। 8% में 2 सीट मिली, 12 में उन्हें 86 सीट मिल गई। ये तो हिसाब जुड़ता नहीं, गणित बनता नहीं तो इस हिसाब से तो कांग्रेस को 500 सीट जीतने, तो कुछ गड़बड़ ये है कि उन्हें 86 सीट मिली क्योंकि सीट का समझौता हुआ था जनता दल के साथ और सीपीएम के साथ। उस समझौते के वजह से उन्हें इतनी ज्यादा सीट मिली। इसी तरह से 77 में जनता पार्टी का जो जनसंघ का कंपोनेंट था उसे 96 सीट मिली रथ यात्रा को। सरकार ने दी, दूरदर्शन ने दिया, AIR ने दिया। जब दूसरे राज्यों ने रथ यात्रा को रोकने का कहा, महाराष्ट्र ने कहा था हमारे तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, कि वो रथ यात्रा को रोक लेंगे, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा नहीं, ये नहीं रोकी जाएगी, चलनी चाहिए, तो वो भी खामोश हो गए। तब CPM कहां पे था, तब जनता दल कहां पे, तो उनकी तो सरकार थी, साथ में चला रहे। और फिर एक और पॉइंट, जब 7 नवंबर को जनता दल की सरकार गिरने वाली थी तो लोकसभा में बीजेपी के नेताओं ने कुछ चीजें खुल के बोलनी शुरू करी, लेकिन फिर पूरी बात नहीं बताई। उन्होंने ये बताना शुरू किया था कि उनके साथ भी कोई समझौता हुआ था जिसकी वजह से वो ऑर्डिनेंस इशू हुई थी और उनको जमीन देने वाली दी गई थी, लेकिन पूरी कहानी निकली नहीं, वो बीच में चुप हो गए। एक तरह से धमकी दे गई कि अगर और कुछ होगा तो पूरी कहानी निकल भी सकती। सरकार के काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। जो प्रशासन को एक डायरेक्शन दिया था 40-45 साल हुए जब हम आजाद हुए थे कि वो विकास करेंगे, उसे बदलना होगा। उसे हमें बताना होगा कि वो विकास कराएंगे, खाली करेंगे नहीं, कराएंगे, वो कैटलिस्ट बनेंगे, हमारे लोगों को आगे लाना पड़ेगा। हमें कंट्रोल्स को बहुत काटना पड़ेगा। हमारे चुनाव घोषणा पत्र में वायदा है कि जो ऐसे कंट्रोल्स लगे हैं जो आपके जीवन में दुख और कष्ट लाते हैं, उन्हें हम सीधे काट के खत्म कर डालें। ऐसे कंट्रोल्स हैं जिससे भ्रष्टाचार बढ़ता है, उन्हें हम सीधे काट डालेंगे। जो ऐसे कंट्रोल हैं जिससे विकास का काम या उद्योगीकरण धीमा होता है, उन्हें हम रैशनलाइज करके ठीक कर देंगे, जिससे उनकी पाबंदी कम हो। ऐसे पूरे काम करने का तरीका बदलना, बहुत गहरा परिवर्तन लाना पड़ेगा पूरे सरकार में। ये असली वायदा कांग्रेस का है हमारे चुनाव घोषणा पत्र। बारीकी में एक एक पॉइंट लिखा हुआ है। हमारी प्रार्थना है आपसे कि आप हमारे सब कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताइए। अभी मैं गुजरात से होकर आ रहा हूँ और शायद राजेश खन्ना जी भी खुश होंगे, मुझे बताया गया है कि गांधीनगर में भी लगता तो ऐसे ही है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके हाथ में आ गई। हमारी प्रार्थना है कि आप जी को खासकर आप वोट डालिए। जरा हाथ उठा के दिखाइए, कौन कौन पंजे पर निशान लगा। बहुत धन्यवाद। आप जय हिंद। मैं राजू जी का धन्यवाद करता हूँ।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी को धन्यवाद।